भाई स्नोफॉल हो रही है और ठंड बहुत जबरदस्त हो रही है, स्नोफॉल हो रही है अभी राइट नाउ। और बात बहुत मशहूर है अखा मुंबई का किंग कौन, मुंबई में राज करता हूँ मैं मुंबई। तो माशाल्लाह मराठी में बोल दू थोड़ा। हाँ बोले तो जे आमचे मुंबईकर आहेत ज्यांना यायचं असेल तर ते तुम्ही मला पण कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि हसनैन भाईला पण, आणि तुम्ही हसनैन भाईला कॉन्टॅक्ट करा तुम्ही, इन्शाल्लाह तुम्हाला भेटेल जॉब, काही टेन्शन नाही आहे। तुर्की में तुर्की तक केव जो भी आशे बेंगलुरु में बात कर रहा हूँ, बंगाली तुर्की तक केव जो भी आशे किंतु देखने चाकती को राज्य ना किंतु बेस्ट ना केव जो भी। नमस्ते इंडिया, नमस्ते गो गो गो। ये ही इज़ फ्रॉम तुर्कीश। आई एम तुर्किश, तुर्किश, तुर्किश। आई एम नाउ पीपल मुस्लिम इंडिया। 3000 लीरा आपकी? मेरी भी सेम है, 3000 रुपया के आसपास है। सही है, तो भाई ये प्रूफ है यार, जॉब मिल जाती है, कोई मसला नहीं होता, मगर मेहनत है। सही है, खर्चा भी कम है। और इंशाल्लाह हमने अंकारा भी गए थे, वहाँ देखा, लेकिन वहाँ तो एक गांव जैसा लगा और ठंडी भी है, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे सस्ती है। लेकिन इस्तांबुल एक हब है, यहाँ रहेंगे आपको और बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे। और मैं इंडिया से तो विजिट वीज़ा लेके आया था, 1 मंथ का स्टे मिला था। तो जिस फैमिलीज़ को आना है उनको विजिट वीज़ा लेकर आना है, विजिट वीज़ा लेके आना है, दूसरा और कोई नहीं। विजिट वीज़ा लेके आओ, आराम से इधर आके आराम से TRC को अप्लाई करके आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसनैन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी ग्रैंड सम्बिशन है इंडियन TRCs की। मेरे पीछे अहमद भाई खड़े हुए हैं, देन भाभी खड़ी हुई हैं, देन उसके बाद फरीद भाई हैं और देन प्रीतम, और उस तरफ बिलाल भाई खड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी फाइल्स कंप्लीट हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं गोच इदारे। तो इंशाल्लाह ताला फाइल सबमिशन हो जाती है, तो उसके बाद मैं आपका सबके साथ एक ब्रीफली इंटरव्यू करवाता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये लोग यहाँ आके क्या कर रहे हैं, TRC बनाने के बाद क्या प्लान है इनका, किस तरीके से यहाँ सर्वाइवल देंगे, तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो इंडियन फैमिलीज़ हमें जितनी भी इंडिया से देख रही हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला गोच इदारे के बाद फाइल सबमिशन के बाद आपको ब्रीफली इंटरव्यू दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गोच इदारे से फाइल सबमिशन करवा कर आ गए और मेरे साथ मेरे इंडियन क्लाइंट मौजूद हैं, अहमद नाम है इनका और ही इज़ फ्रॉम बेंगलोर। तो अहमद भाई से यहाँ का पूरा एक एक्सपोजर लेते हैं कि अहमद भाई ने माशाल्लाह अंकारा भी विज़िट करा, अंतालिया भी विज़िट करा है और इन दी एंड इस्तांबुल आ चुके हैं और यहाँ इन्होंने प्लान करा है सेटल डाउन होने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गोच इदारे से अहमद भाई फाइल सबमिशन करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले अहमद भाई से गोच इदारे का एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा अंदर, और उसके बाद अहमद भाई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ आए, तो यहाँ क्या करने का इनका इरादा है, क्या बिज़नेस करेंगे और यहाँ कैसे सर्वाइवल करेंगे। और इस वीडियो में आपको कंपैरिजन भी मिलेगा कि इस्तांबुल, अंतालिया, अंकारा, इन सब सिटीज़ में क्या डिफरेंस है और वाई ही चूज़ इस्तांबुल टू लिव विद हिज फैमिली हियर। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सब खैरियत है सर अल्हम्दुलिल्लाह। फाइल जमा हो गई है TRC? हाँ, जमा हो गई माशाल्लाह, कुछ उन्होंने नहीं पूछा, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं, आसानी के साथ काम हो गया। सही, बहुत अच्छा काम है यहाँ। हसनैन भाई ने हमें, हम वहाँ से रब्ता किए थे इंडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये बोले थे उससे अच्छा काम हो। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया से लोग आए यहाँ, रहे, यहाँ का माहौल देखे, बहुत अच्छा है रहने के लिए, यहाँ पे बच्चों के साथ फैमिली के साथ अच्छी तरह रह सकते हैं और यहाँ पे ख़र्चा भी कम है। और इंशाल्लाह हमने अंकारा भी गए थे, वहाँ देखा, लेकिन वहाँ तो एक गांव जैसा लगा और ठंडी भी है, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे सस्ती है। लेकिन इस्तांबुल एक हब है, यहाँ रहेंगे आपको और बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे और उसके लिए आपको काम करना आसान पड़ेगा। सही, यहाँ पे अच्छी चीज़ है इस्तांबुल, अच्छी चीज़ है, सिटी में रहें, अच्छी जगह रहें, अच्छे इलाकों में रहें, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया से और भी लोग आए, हमारे रिलेशन भी हैं, वो लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ आराम से आके रह सकते हैं। कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे सस्ता है। सही,
अच्छा अहमद भाई, एक और क्वेश्चन, बहुत सी इंडियन फैमिलीज यहाँ आना चाहती हैं, मुझसे रब्ता करती हैं, तो आप किस तरीके से आएँ, कौन सा वीज़ा लेकर आएँ, ये भी थोड़ा सा बता दें, और फिर मैंने आपको यहाँ आपके वीज़े पे किस तरीके से TRC बना के दी, ये भी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं इंडिया से तो विजिट वीज़ा लेके आया था, 1 मंथ का स्टे मिला था। तो जिस फैमिलीज को आना है उनको विजिट वीज़ा लेकर आना है, विजिट वीज़ा लेके आना है सही, दूसरा और कोई नहीं, विजिट वीज़ा लेके आओ, आराम से इधर आके आराम से TRC को अप्लाई करके आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई आपको कोई प्रॉब्लम कोई पूछताछ नहीं होगी, आप लीगली यहाँ पे रह सकते हैं। सही। अच्छा आपको एज कम्पेयर टू इंडिया और तुर्की, आपको यहाँ का लाइफ स्टाइल, फूड वगैरह, कल्चर, और एक होता है ना माहौल, आप इंडिया में निकलते थे, यहाँ आप बाहर निकल रहे हो फैमिली को लेके, तो आपको क्या डिफरेंस लगा थोड़ा सा, आप हमारे सीनियर हैं तो ये भी थोड़ा सा हमें तजुर्बा बताएं अपना। इंशाल्लाह यहाँ पे तो क्लाइमेट एकदम ज़बरदस्त है, हर आदमी जो भी आदमी हो इंशाल्लाह वो आएगा, उसको हर आदमी को क्लाइमेट सूट होगा। और खाने तो यहाँ बहुत अच्छे खाने हैं, यहाँ के ग़िज़ाओं में कोई मिक्स नहीं है, मिलावट नहीं है, एकदम साफ़ सुथरे हैं और एकदम अच्छे खाने हैं, और रहने के लिहाज से तो यहाँ पे एकदम क्लीननेस है, आपको जहाँ भी जाएंगे जैसा यूरोप जैसा आपको स्टाइल मिलेगा, और यहाँ पे जो भी खाना खाएंगे आपको हलाल फूड मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़। आप जहाँ भी यूरोप में जाएंगे खाने को तलाश करेंगे, हलाल है हराम है देखकर खाना पड़ता है, बिल्कुल यहाँ किसी भी होटल में आप चले जाएँ माशाल्लाह आपको हलाल फूड मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। यहाँ एज अ मुस्लिम अहमद भाई हमें सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि यू विल फाइंड हलाल फूड हेयर, कहीं भी चले जाएँ, आप कोई भी रेस्टोरेंट पे चले जाएँ, बिला झिझक आप मुर्गी खरीदें, गोश्त खरीदें, तमाम चीज़ें आपको हलाल मिलेगी एज़ कम्पेयर टू UK और यूरोप, जहाँ फिर आपको बहुत तलाश करना पड़ता है गोश्त ज़िबा सही हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई ने यहाँ प्रॉपर्टी भी बाई करी है अपनी, तो अहमद भाई प्रॉपर्टी के हवाले से जो इंडियन प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वो भी प्रिकॉशंस और वो भी अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे तो प्रॉपर्टी बाय करना आसान है, आप कभी भी आके बाय कर सकते हैं, आपके पास क्या बस पैसा मंगाना है, प्रॉपर्टी आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं, प्रॉपर्टी तो अच्छी से अच्छी मिलेगी और कम दाम में मिलेगी, कंपेयर टू इंडिया आपको कम दाम में मिलेगी, और रहने के लिए यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, एकदम मिलनसार लोग हैं, हाँ एकदम अच्छे लोग हैं, यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा है। सही। अच्छा अहमद भाई प्रॉपर्टी के हवाले से थोड़ा सा आप ये बता दें, अभी आपने मार्केट भी टच करी है, तो ओल्ड बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग के क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं अभी, करंट प्राइजेस आप माशाल्लाह अभी ड्यूरिंग प्रोसेस है तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। सर न्यू बिल्डिंग में जाएंगे आपको 8-10 लाख लीरा की प्रॉपर्टी मिलेगी, आप ओल्ड में जाएंगे 2.5-3 लाख, 5 लाख, 6 लाख अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कंडीशन और टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, वन प्लस वन, ऐसे आपको जो आपकी पसंद है आपका जितना बजट है उस बजट में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सही सही। तो गाइज ये तो है हमारे अहमद भाई फ्रॉम बेंगलोर, अल्हम्दुलिल्लाह इनका TRC प्रोसेस हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अभी थोड़े दिन में TRC आएगा तो अहमद भाई के साथ वो वीडियो भी हम बना के अपलोड करेंगे। तो ये हमारी थी इंडियन फैमिली फ्रॉम बेंगलोर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए हैं, बहुत पुरसकून ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, फूड की आसानी है, रिहाइश की आसानी है, और वन थिंग मोर अहमद भाई मुझे अभी याद आया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या फीडबैक है यहाँ, बहुत अच्छा। आप इस्तांबुल के किसी भी कोने पे आराम से जाके आ सकते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, हर जगह आपको बस भी मिलेगी, मेट्रो भी मिलेगी, ट्रैम भी मिलेगा, सब कुछ सहूलत है। सही। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लोकल ट्रांसपोर्ट इतनी ज़बरदस्त है कि आपको अपनी कार और बाइक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इस्तांबुल के बिल्कुल कोने से जाके आप 2-3 घंटे में वापस आ सकते हैं बाई ट्रेन बाई बसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम अपना फैमिली कंटेंट बनाना जारी रखेंगे, आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर लाजमी करा करें जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं इंडियन फैमिलीज़ हैं, ताकि जो लोग वहाँ यहाँ आना चाहता हूँ इस्तांबुल और सेटल डाउन होना चाहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, तो जहाँ तक आपकी हेल्प हो सके प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से, TRC कार्ड बनाने के हवाले से, इसके अलावा फैमिली सेटलमेंट के हवाले से, यहाँ बच्चों को स्कूल में आपको एडमिशन करवाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आई विल हेल्प यू आउट पीपल, तो आपको पूरा बेनिफिट देंगे हम इंशाल्लाह ताला, हर तरीके से सपोर्ट भी मिलेगी और हमारे पास पूरा एक फैमिली का सर्कल भी मौजूद है,
तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ बोर नहीं होंगे अगर आप यहाँ आएंगे तो। इंडियन मुस्लिम्स भी आपको मिलेंगे, पाकिस्तानी मुसलमान भी आपको मिलेंगे, और जो दूरियाँ इंडिया पाकिस्तान में थी वो यहाँ तुर्की में आके ख़त्म हो चुकी है। बेशक बेशक बेशक। तो हम सोचते थे हम इंडिया वालों से मिलेंगे, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें इंडिया वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ अपना थोड़ा सा लंच का भी हमने सीन करा है, तो आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ टेबल पे सब हमारा लंच वगैरह रेडी है, और अभी हमारे पास ऑर्डर आने वाला है तो फिर हम लंच भी करेंगे यहाँ अहमद भाई के साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अलावा अहमद भाई, कुछ जो फैमिलीज इंडिया से आ रही हैं तो आप उनको कोई स्पेशल अपना पैगाम देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जो भी इंडिया से फैमिली आ रही है वो अपना तरतीब बना के आए, यहाँ पे रहने का इरादा करके आए, ऐसा नहीं कि आएंगे 15 दिन में देखेंगे फिर इंडिया चले जाएंगे, तो इसका मज़ा नहीं मिलेगा। कम से कम 5-6 महीने 1 साल यहाँ गुजारेंगे, यहाँ लैंग्वेज सीखेंगे, आप हर बिजनेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा बैरियर इस्तांबुल में लैंग्वेज का है। आप टर्की में आए, लैंग्वेज सीखे 5-6 महीने, इंशाल्लाह उसके बाद आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे बिजनेस करने के लिए। इंशाल्लाह मैंने भी इरादा किया है, मैं भी लैंग्वेज सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे आए हुए अभी 20-22 दिन हुए, इंशाल्लाह मैंने प्रॉपर्टी भी ख़रीदी है, इंशाल्लाह मैं यहाँ लैंग्वेज कोर्स भी करूँगा, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करूँगा। पहले आके बिजनेस करने का नहीं, पहले यहाँ पे लैंग्वेज सीखना है, यहाँ का कल्चर सीखेंगे, उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे। कमाने के लिए तो ज़िंदगी भर है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े अहमद भाई एक कोड भी है बिलीनियर्स का कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। बेशक, पहले सीखें फिर कमाएं, ऐसे ही आपको आके पंजे नहीं मारना शुरू कर देते हैं। तो ये अहमद भाई ने बहुत अच्छी एक एडवाइस दी है कि भाई यहाँ पहले आके सीखें, कल्चर को सीखें, रास्तों को सीखें, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ जा रही है सीखें, मार्केट को समझें, लैंग्वेज को सीखें, लोगों का तौर तरीका सीखें, देन आप इंटर हों मार्केट में, फिर आप कोई भी दाव लगाएंगे तो लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखें सक्सेसफुल लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और प्लान कर कर आ रहे हैं फैमिलीज़। तो इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी तो व्हाट्सएप पे हर वीडियो में मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी। आप भले से इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो इंशाल्लाह ताला मोस्ट वेलकम आप यहाँ आएँ, और जहाँ तक हेल्प हो सकी वहाँ आपकी हेल्प भी करेंगे, और इंडियन पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं तो आपका दिल भी यहाँ लगेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हमारे साथ फरीद भाई मौजूद हैं अभी। अभी आपको अहमद भाई का हमने फीडबैक दिखाया, तो फरीद भाई इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, मुंबई के भाई, मुंबई मेरी जान। माशाल्लाह भाई, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास तौर पर असनैन भाई से मिलकर। तो जिसको भी इन्फॉर्म मतलब का करना है, रब्ता करना है, तो असनैन भाई से माशाल्लाह कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में भाई, यहाँ पे कोई भी फेक एजेंट्स के हाथ में मत जाना भाई, बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो बेटर है कि थोड़े पैसे ज़्यादा दे दो, और असनैन भाई के ऐसे इंसान यहाँ पर मिलेंगे इंशाल्लाह, असनैन भाई मिलेंगे, तो उनके साथ में रब्ता करके उनके साथ में कनेक्शन बनाओ, और भाई यहाँ पे अपनी TRC बना के ले लो, सबसे पहले बेस्ट यही है। और यहाँ पे बिज़नेस वगैरह भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। और अच्छा फरीद भाई, थोड़ा सा मैं भी बोलती हूँ। अच्छा फरीद भाई के अल्हम्दुलिल्लाह TRC जमा हो गई है भाई, इससे स्नोफॉल हो रही है और ठंड बहुत जबरदस्त हो रही है, स्नोफॉल हो रही है अभी राइट नाउ, और बारिश भी हो रही है। अच्छा फरीद भाई की माशाल्लाह जॉब भी लग गई है, कितने दिन में जॉब लगी है मेरी माशाल्लाह। यहाँ पर आने के बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ थोड़ा सा भटका, होटल्स वगैरह में रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आते साथ में तो सारी चीज़ें मिल जाती है, कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, भाई से मिलना पड़ता है, और फिर कनेक्शन मिलते हैं ऐसे। देख रहे हैं आप, बर्फ़ चेक करें। तो यहाँ पर आने के 5 दिन बाद में माशाल्लाह मुझे जॉब लग गई, 5-6 दिन में मुझे जॉब लग गई, और थोड़ा सा जॉब मिल रही है यहाँ, जॉब मिल रही है, फिर ऐलान कर रहा हूँ जॉब मिल रही है, मतलब 5-6 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह फरीद भाई की जॉब भी लगवा दी है और रिहाइश भी करवा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह TRC भी जमा हो गई है। जी जी जी, सुकून है अभी, सुकून है, बस TRC कार्ड आ जावे और उसके बाद में इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी मैं फिलहाल IT का जॉब देख रहा हूँ, मैं IT इंजीनियर हूँ, तो थोड़ी सी और जॉब कर रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिल जाती है, बट यू हैव टू स्टे फॉर वन मंथ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू हैव टू पेशेंस, क्या भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो आप लोग, इंशाल्लाह मिल जाएगी। जो लोग ये सोच के आ रहे हैं आते साथ ही सब कुछ हो जाए तो भाई नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो जो भी आना चाहता है थोड़ी लैंग्वेज सीख के आए ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और फरीद भाई जो इंडिया से आने वाले लोग हैं जी, मुंबई के भाई लोग जो भी आ रहे हैं, मुंबई में दादर से हूँ याद रखना,
और वो डायलॉग बहुत मशहूर है, अक्खा मुंबई का किंग कौन, मुंबई में राज करता हूँ मैं मुंबई। तो माशाल्लाह मराठी में बोल दूँ थोड़ा? हाँ बोलो। तो जे आमचे मुंबईकर आहेत, ज्यांना यायचं असेल तर ते तुम्ही मला पण कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि हसनैन भाईला पण, आणि तुम्ही हसनैन भाईला कॉन्टॅक्ट करा, तुम्ही इन्शाल्लाह तुम्हाला भेटेल जॉब, काय टेन्शन नाही आहे ते। ओके हाँ, तो गाइस जितने भी इंडियन फैमिलीज देख रही हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है। और अभी आपको हम प्रीतम भाई से भी बुलाते हैं। प्रीतम भाई इधर आ जाएं। प्रीतम, ओ प्रीतम प्यारे, ये प्रीतम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये आ रहे हैं भागते हुए। कैसे हैं प्रीतम भाई, ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक है। कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरे साथ? हाँ अच्छा। ज़रा बंगाली में थोड़ा सा, कलकत्ता, ही इज़ फ्रॉम कलकत्ता, और अलहमदुल्ला इनकी भी TRC अभी मैंने सबमिट करवाई है, तो थोड़ा सा अपनी ज़बान में अपने वालों को मेरी सर्विस के हवाले से थोड़ा सा प्लीज़। थैंक यू। बोलो तुर्की में, तुर्की तक कहो जो भी आशे है, बंगाल में बात कर रहा हूँ, बंगाली तुर्की तक कहो जो भी आशे है, किंतु देखने चाकी करार जो किंतु बेस्ट ना, कहो जो व्यवसा व्यवसा करते आसे ব্যবসার জন্য এখানে অনেক ভালো ভালো অবস্থান, ঠিক আছে। আর কেউ যদি এখানে প্রপার্টি কিনতে চায় তাও অনেক ভালো অপশান, ইন্ডিয়া থেকে এখানে খরচ কম, অনেক খরচ কম, ঠিক আছে। ইন্ডিয়া অনেক বেশি খরচ, এখানে মোটামুটি খরচ বরচ অনেক কম। সর্বাধিক দিয়ে তুর্কি অনেক সুন্দর একটা দেশ, ঠিক আছে। সরি আচ্ছা, এসকা তর্জুমা তো বতা দো তাকে লোককে ভি তো সমঝ মে আ জায়ে কি বলে, ইসকো উর্দু মে ভি তো বলকে বতা দো কি বলে। মানে বলা तुर्की में घूमने के लिए आने के लिए अच्छा है, इधर जॉब के लिए अच्छा नहीं है, इधर क्यों बिजनेस के लिए आती है वो सही है। जॉब में मेहनत है ना? हाँ जॉब में मेहनत है। अभी तुम्हारी भी जॉब लग गई है ना? लग गई है मेरा। अच्छा भाई प्रीतम की भी जॉब लग गई है। प्रीतम नमस्ते इंडिया, नमस्ते। ये ही इज फ्रॉम तुर्किश। I am Turkish. Turkish. Yeah. Turkish. I am chef. Now famous from India. So don't. यहाँ का chef है भाई, जज्बाती हो गए। अच्छा प्रीतम भाई job लग गई है ना यार? Job मिल जाती है ना? कोई tension तो नहीं होती? Job मिल जाती है। क्या salary है अभी? मेरा तो अभी 3,000 लीरा। 3,000 लीरा। आपकी? मेरी भी सेम है, 3,000 लीरा के आसपास है। सही है। तो भाई ये प्रूव है यार, जॉब मिल जाती है, कोई मसला नहीं होता, मगर मेहनत है। सही है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंडियन फैमिली हमारे साथ थी, सबका प्रोसेस करवाया TRC वगैरह, तो अलहमदुल्ला सबकी फाइल भी सबमिट हो गई है। तो जब इनका TRC आएगा तो वो भी मैं व्लॉग अपडेट करूँगा आपको। यहाँ आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कोई भी काम हो इंशाल्लाह ताला, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और एक नारा लगा दे जरा, इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है भाई, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे।